खरगोन शहर में भाजपा महिला मोर्चा की नारी शक्ति ने नव वर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर राहगीरों को तिलक लगाकर पुष्प वर्षा से स्वागत किया, साथ ही नए वर्ष की शुभकामनाएं देकर लोगों को प्रेरित किया। बताया जा रहा है कि हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा पर शहर भर में कई धार्मिक आयोजन हुए। इसी कड़ी में महिला मंडल ने ड्रेस कोड और साफा बांधकर लोगों को तिलक लगाकर प्रेरित किया। इस दौरान महिला मंडल ने बताया कि लोगों में जागरूकता लाकर नव वर्ष मनाने की पहल कर रहे हैं। शहर में भी गुड़ी पड़वा के दिन कई आयोजन हुए। इसी बीच एक महाराष्ट्रियन परिवार ने घर के सामने गुड़ी बनाकर विधि विधान से उसका पूजन अर्चन करके परिवार और देश में सुख समृद्धि की कामना की। बताया जा रहा है कि गुड़ी की यह प्रथा विशेषकर महाराष्ट्र में निभाई जाती है। इसी को लेकर परिवार ने अपनी क्षेत्रीय परंपरा का निर्वहन करके समाज को सुखद संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आज गुड़ी पड़वा का पर्व है। आज से हिंदू समाज का नया वर्ष शुरू होता है। जनवरी से जैसे कैलेंडर चेंज होता है, लेकिन नया साल आज ही से शुरू होता है। आज मतलब घर घर पे एक गुड़ी बनाई जाती है, गुड़ी बांधी जाती है, उसको पूरी परंपरा के साथ तैयार किया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, विधि विधान से सब पूजा पाठ की जाती है। हर घर घर में मतलब गुड़ी पड़वा का त्यौहार होता है हिंदू धर्म में, और हर जगह पे यह होना चाहिए। महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाते हैं? हाँ, महाराष्ट्र अधिकतर मनाते हैं। हर जगह मतलब हर महाराष्ट्र के यहाँ पे इसी गुड़ी बंधी रहेगी, और इस दिन श्रीखंड पूरी बनाता है, कोई पूरम पोली बनाता है, सब ऐसे अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। आज से नया वर्ष शुरू हो जाता है। क्या नाम लिखा? पूजा प्रशांत चौहान। जैसे कि आज हमारे हिंदू धर्म का नया वर्ष शुरू हो रहा है, हम भाजपा की नगर महिला मोर्चा की नगर की यह पूरी टीम है। आज हम लोग हिंदू भाइयों को बहनों को तिलक लगाकर नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या मतलब, क्या इसके पीछे क्या सोच रहे? हिंदू राष्ट्र को जगाना, आज की महिला दिवस के हिसाब से महिला दिवस जो चलते हैं, आज देखा जा रहा है कि हर जगह तिलक लगाया जा रहा है। हम लोग अपने वही तिलक लगाने को शुभकामना दे, नया संदेश हर किसी को तिलक लगाने के ही बात है। क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।